वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा प्लान है उमलिंगला जाने का। रात को हम सुमदू पहुंच गए थे जो पड़ता है चांगथांग में। मैंने आपको लास्ट पूगा दिखाया था। पूगा में हम रुके नहीं क्योंकि वहाँ पे स्टेज बहुत मतलब कि चीप टाइप के थे और इतना बजट तो हमने बना के चले थे कि हम 1000 रुपये पर डे खर्च करेंगे। तो इस वजह से हमने सुमदू ट्राई किया, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं यहीं पर रुका था। तब दीदी का थोड़ा सा हल्का हिसाब किताब था, लेकिन अब दीदी का बढ़िया हिसाब किताब है जो बात है। सब कुछ 2000 रुपये में हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हम तीनों का रहना, रात का डिनर और सुबह गर्म पानी। गर्म पानी के अलग से पैसे हैं यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ सोलर से चलता है ना, तो उसके वो अलग से चार्जेस लेते हैं। तो मिलते हैं आपको सफ़र में। आओ भाईजान, गाड़ी में बैठो। तो ये है माहे ब्रिज, हालत थोड़ी सी इसकी खस्ता हो रही है। यहाँ से लेफ्ट जाओगे तो चूमा थांगे, राइट जाएंगे हम हानले के लिए। कहाँ है हम लोगों के पास परमिट नहीं है वैसे। कुछ नहीं हो रहा, हम राम भरोसे चल रहे हैं और चले जा रहे हैं। माई के बाद कहीं नहीं होता। वैसे नहीं, एक जगह होता है, एक ब्रिज आएगा। वैसे परमिट की जरूरत इधर से है, जहाँ से हम आए इधर से होती है परमिट की। इधर से नहीं होती ना, ऐसा है, इधर से पॉइंट सारे वो है ना, जैसे माहे ब्रिज है सामने, पहले लगाओ, जैसे ब्रिज से सामने बिल्कुल दीवार थी ना, उस दीवार पे ही वो था पॉइंट। अच्छा, तो वहीं रोक लेते थे। ओके। और भाई साहब रिकॉर्डिंग ऑफ है तुरंत। हाँ, रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है। अब तो देखो नज़ारे यहाँ के भाई। ब्रेकफास्ट आ गया है और मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। ये खा रहा ऑमलेट, ये खा रहा ऑमलेट, और मुझे खाने पड़ रहा है ब्रेड चाय। मुझे रोटी भी मिल गई। इसे रोटी भी मिल गई और मैंने कहा परांठा दे, तो कह रहे परांठा नहीं है। हाँ जी भाई, तो खाना पीना खा के निकल गए हम लोग, और अभी तक का सबसे सस्ता बिल यहीं आया होगा जहाँ हम तीनों बैठ के खाया है। 360 रुपए, क्योंकि भाई मेरे को ब्रेड मिल रही है। तुम लोग खा रहे हो प्रोटीन का, अब सब मैं खा रहा हूँ मैदा। तो 360 रुपए हमारा बिल आया यहाँ पे, उसमें पेट भर गया सबका, इनको छोड़ के हम दोनों का तो भर गया। और अब यहाँ से हम लोग निकल गए हानले की तरफ। बाकी हम लोग जहाँ पे बैठ रहे हैं, मतलब 500 का तो बिल आ ही रहा है खाने के लिए जहाँ बैठ रहे हैं हम, चाहे वो रात का डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो या लंच हो, कुछ भी हो। लद्दाख में ना चावल का बहुत ज़्यादा है। लद्दाख में नहीं भाई, ये हर उसमें मतलब पहाड़ी जगह पे है, जैसे श्रीनगर है, श्रीनगर में लोग रोटी बनाते ही नहीं है, चावल ही खाते हैं। सामने देख रहे हैं, सामने तो अल्टीमेट ही चीज़ है भाई। ये हानले जाने वाला रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। गाड़ी यहाँ से वापस भेजिए, उन्होंने बोला 4-5 किलोमीटर पीछे एक जगह है जिसका नाम मैं नहीं लूंगा। तो वहां पे जाके इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो वहां से LAHDC से परमिट बना के फिर आप इधर आ जाओ, बिकॉज यहाँ पे चेक पोस्ट है, फिर आगे भी कहीं रोक सकते हैं। तो बेटर देन की यहाँ पे निकलने से बेटर एक बार बना लेने का पता है यहाँ से आगे जाना है तो हमें परमिशन चाहिए। वो तो एक पॉइंट, एक वो है कि इनके पास रिकॉर्ड रहेगा कि हम आगे गए। दूसरा रीज़न ये है कि परमिट के साथ ना हम एनवायरनमेंट फी देते हैं, वो यहाँ के डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रूशल है। अच्छा। हाँ, हम लोग घूम रहे गाड़ी लेके, डीजल एमिशन तो कर ही रहा है ना, शाम तक पहुँच रहा है, तो उसके साथ हम एनवायरनमेंट फी देते हैं हर परमिट पर, परमिट के साथ पर पर्सन। तो वो भी जाती है, वो डेवलपमेंट के लिए जाती है यहाँ के, तो इसलिए परमिट बनाना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने बनवा लिया है परमिट, 1320 रुपए का बना है, सिर्फ 800 रुपए की है। इको फ्रेंडली, क्या इको फ्रेंडली, लद्दाख इको एनवायरमेंट फ्रेंडली फीस, और बाकी के हमें जो जैसे वो यहाँ की रोड डेवलपमेंट और इन सब चीजों पे यूज होता है, तो बाकी का हमारा वही परमिट बना था। तो 1320 लगा तीन बंदों का, हम लोगों ने हानले जाना है, तो हानले से हम लोग लेह निकल जाएंगे, तो 1320 रुपए में तीन लोगों का होता है। तो अगर आप माहे ब्रिज से बच भी गए ना, तो यहाँ पकड़े जाओगे, और यहाँ से भी बच गए तो भी एक आगे चेक पॉइंट पकड़े जाओगे। तो बेटर है कि आप लोग बनवा के आओ, तो बाकी निकलते हैं आगे सफर में। कौन सा ब्रिज था?
Energy's here, you're not ready for the wham. Energy's raw, I've never been glam. Energy's sure like bars will land, like a missile straight to the plan. Energy's more than everything, man. Energy's mad, don't mess with the ram. Certain things in life gotta overstand. That's disappointing, don't do this, man. With your energy, yeah, can't do this, man. Energy's here like a sizzling pan. Four meetings already is urgent, fam. If the energy's right, we can do this, man. If the energy's right, we can do this, man. हाँ जी भाई, तो पहुंच चुके हैं हानले, और ये हानले की मॉनेस्ट्री जो मैंने लास्ट अपने लद्दाख की सीरीज में दिखाई हुई है। और भाई बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, पहले हमारी फोटो यहाँ की है, सिर्फ यही माइलस्टोन था, इतने सारे बोर्ड लग गए हैं अब यहाँ पीछे, आई लव हानले भी लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ से अमूल कूल दूध ले लिया है क्योंकि खाने का मन था इंडिया, तो हम तो इंडिया से ही हैं, इंडिया से ही हम खाने पीने का मन, कुछ खाने का तो मन था नहीं, तो इसलिए पीने के लिए ले लिया है। और भाई यहाँ से उसने मुझे बताया कि उमलिंगला के 5 घंटे लगेंगे आने जाने में, बट मुझे नहीं लगता क्योंकि अराउंड 80 के आसपास बचा हुआ है। नागर भाई रोड माहे ब्रिज से लेके टिल हानले पूरा टारमैक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस रोड नैरो है कि सामने से ट्रैफिक आता है तो नीचे थोड़ा सा उतरना पड़ता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही बेहतरीन लग रहा है भाई। और मुझे इन पर्सनल ले मतलब पूरे लद्दाख रीजन में हानले सबसे ब्यूटीफुल लगता है, बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद है भाई। गर्मी तो धूप की है भाई, ठंड में उसमें छाया में जा अंदर ऐसा लग रहा, ठंड धूप की गर्मी है। हाँ झंस्कार जाओ अगर ठंड लेनी है इस मौसम में तो। Bars, flows too fast, two constellation and stars, two laughs, two hearts, out of this world and straight off to Mars. When the energy's right, I follow the path, gotta know yourself, there's no one to ask, no one to turn to, take off your mask, don't worry, there's no test to pass, just live, stop taking, just learn to give, stop blaming them and learn to forgive, I'll carry. So, bhai, idhar Umlingla jaate hue ek chhota badhiya sa patch mila tha, sochte hain yahan se 4x4 laga ke gaadi chadate hain upar, abhi dekhte hain kaise nikalti hai. Too fast, two constellation and stars, two laughs, two hearts, out of this world and straight off the Mars. Said two bars, flows too fast, two constellation and stars, two laughs, two hearts, out of this world and straight off the Mars. When the energy's right, I follow the path, gotta know yourself, there's no one to ask, no one to turn to, take off your mask, don't worry, there's no test to pass, just live, stop taking, just learn to give, stop blaming them and learn to forgive. I'll carry on doing my thing till we turn into a myth. हाँ जी भैया, तो पहुंच चुके हैं फोर्टीला सिक्स, एक सेकेंड मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो पहुंच चुके हैं फोर्टीला सिक्स हाईएस्ट मोटरेबल पास, और भाई इसकी हालत थोड़ी खस्ता हो रही है जैसे आपको दिख रहा होगा, बर्फ पड़ती है और धूप बहुत तेज पड़ती है, तो उसकी वजह से ना पेंट कितना ही संभाल लेगा यार, हर चीज़ की एक वैलिडिटी होती है, वो निपट जाती है। अब वो मेरे को लगता है दोबारा शुरू करेंगे अगली बार, तब वो निपट लेगी। हालत तो मेरी भी खराब है, हालत इसकी ख़राब है क्योंकि इसको थोड़ी सी दिक्कत होती है साइनस की वजह से, और साइनस नागर को भी है, पर नागर को वो डीकोड करना आ गया है, नागर तो ज़्यादातर उसमें लद्दाख में रहता है ताकि उसके फेफड़े बड़े हो जाएं और लगभग फेफड़े बड़े हो चुके हैं उसके। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं उमलिंगला की तरफ। भाई पैच जो पीछे का आया था ना, टारमैक रोड, एक जूम 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 पिन हेयर पिन बैंड घूमती घूमती गाड़ी आई है, हमने टारमैक लिया, हमने ऑफ रोड लिया है, आपको उसमें दिख गया होगा ड्रोन शॉट्स में। तो मिलते हैं आपको सीधा उमलिंगला पे। तो भाई यहाँ से उमलिंगला बचा है 37 किलोमीटर, 36 टू बी प्रिसाइज माय लॉर्ड। ओके, तो रास्ता अभी तक पूरा टारमैक मिला है हमें, कुछ ऐसा नहीं है कि ऑफ रोड मिल सकता है आगे, नहीं मिलता तो हम कर लेते हैं। हाँ वो तो हम कर ही लेते हैं, ऐसे देखो ऐसे रास्ता चल रहा है, हम इधर निकाल देंगे और घूम कर लेंगे ऑफ रोड। हाँ, और ये नीचे
डाउन हिल आता है ना भाई, स्टीप, मजा आ जाता है। यहाँ पर ब्रेक्स का ख्याल रखना पड़ता है, गर्म होकर माइल फंक्शन हो जाता है उसमें टायर्स का। जब हम नीचे उतार रहे होते हैं ना, तो हेयरपिन बैंड में ब्रेक्स बहुत लेने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से गर्म हो जाते हैं ब्रेक, तो कभी कभी काम करना कम कर देते हैं, जैसे अभी हमारे साथ हुआ था। पर दीपांशु इतना बढ़िया ड्राइवर है कि उसे साइड में बैठे बैठे कंट्रोल कर ली को पैसेंजर सीट पर बैठे बैठे चीते ही कहते भाई सब क्या ही व्यू आ रहा है अंकल, क्या क्या कब कैमरा खोले कब बंद करे कुछ समझ नहीं आता है। क्या हो गया? भाई उमलिंगला रह गया 30-31 किलोमीटर, जिस उमले यहाँ से 3 किलोमीटर, और रोड ऐसे 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 है भाई। हम लोग पहुंच गए चुसुमले, चुसुमले पीछे हिंदी में पढ़ा था ना, डेम चौक 52 किलोमीटर है। उमलिंगला के लिए ऊपर जाना है ना, उमलिंगला के लिए ऊपर, गेटवे टू उमलिंगला। यू आर अप्रोचिंग वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफेटेरिया BRO कैफे। उमलिंगला नंबर वन तब बोलना ठीक है ना भाई, इधर आ जाना। तो भाई वी जस्ट क्रॉस्ड चुसुमले, और पीछे आपको बाइकर्स जाते हो मे भी दिख रहे हो, बहुत सारे बाइकर्स थे। पहले उन लोगों का सपना था खारदुंगला, अब वो रहा नहीं है, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास, तो आप सबका उमलिंगला ही है। बाकी बस हम वी आर ऑलमोस्ट अप्रोचिंग उमलिंगला, उमलिंगला से थोड़ा सा आगे रहता है, भारत की सीमा का अंत वही है। अच्छा, हमारे लिए तो उमलिंगला नहीं है, डेम चौक 49 है, मतलब वहाँ भारत खत्म है बिल्कुल, भारत की सीमा खत्म होती है चाइना से। Nice. तो उमलिंगला से कितनी दूर है वो? 20 किलोमीटर? नहीं नहीं 18 या 17 किलोमीटर मैक्स। डेम चौक तक जाने देते थे। अच्छा। लेकिन जब से ये गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ है ना, इस साइड से उधर से चितकुल है और उधर से तुरतुक है, फिर वो है क्या कहते हैं माणा, बाकी लैंडस्केप आप और मेरे ऑलमोस्ट सारे हो रखे हैं। मेरे 7-8-10 पास तो हो गए होंगे ना, पासेस को छोड़ दो, मैं बॉर्डर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इंडिया के सारे बॉर्डर्स हो गए हैं ऊपर के, ये तो फिर ट्रैवल में रखने की कह दे। अभी हम पहुंच चुके हैं एवरेस्ट बेस कैंप से भी ऊपर, मतलब कि एवरेस्ट बेस कैंप है कुछ 18,600 समथिंग पे है, तो वी आर ऑब्वियसली 19,000 के आसपास है। और भाई बेहतरीन व्यू, ब्रीदिंग का थोड़ा इशू है यहाँ पे, वो तो यार जितनी एक्टिविटी करेंगे उतना लगेगा ही। नहीं मैं खाली बैठा हूँ तब भी लग रहा है, अभी उतर के फोटो खींची है, ब्लॉग बनाया है, उसमें भी हो जाता है, वो भी एक एक्टिविटी है। वो तो बहुत मेहनत कर रहा है ये लड़का, बहुत मेहनत कर रहा है, इसको सब्सक्राइब करो। ऑलमोस्ट उमलिंगला पहुंचने ही वाले हैं, नीचे क्रेन चल रही है, पता नहीं कहां खोदे जा रहे हैं भाई, रास्ते बनाए जा रहे हैं, BRO दबा के काम कर रहा है, बने बने रास्ते को भी एक और भाई रास्ते देख ले तू, कैसा टेंशन आ रहा है भाई, अजीब सा कुछ हो रहा है, दो बार गाड़ी रोका, अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या बोला नहीं जा रहा ऐसे भाई, वो दियो एक बार सिलेंडर रखा है ऊपर, सांस नहीं आ रही, क्या अजीब सा हो रहा है। भाई पहुंच चुके हैं उमलिंगला, तो भाई हम पहुंच चुके हैं उमलिंगला,
वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड, और यहाँ पे ऑलमोस्ट मेला लगा हुआ है, ये देख रहे हो कितने लोग हैं। तो वी आर वेटिंग फॉर इन्हें निकल जाने दो, फिर हम अपनी फ़ोटोज़ लेंगे। और यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी करना ठीक नहीं है क्योंकि एक्लिमेटाइज़ नहीं हुए इसके हिसाब से, तो सांस फूल रहा जल्दी और सर में दर्द होना शुरू हो गया है। इन दोनों ने तो अपने अपने पैग लगा लिए हैं ऑक्सी 92 के, मैंने नहीं लगाया है क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नीड नहीं लग रही है। बॉडी को एक्लिमेटाइज़ होने के लिए यहाँ के क्लाइमेट में रहना पड़ेगा, ये नहीं कि आप ऑक्सीजन ले लो और चल जाओ काम। ये भाई जो सामने खड़े हैं इनको ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत हो रही है, तब भी ये बाइक राइड करने को तैयार हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत ही गलत डिसीजन है। वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे यहाँ पे, ठीक है। और मज़े की बात ये है, ऑक्सीजन कैफे उमलिंग ना थ्रू आउट द ईयर्स बिफोर 2017। अच्छा फोटोज होनी चाहिए थी यहाँ पे जो कि नहीं है, ठीक है। ये ले गया कोई चोरी करके, चक्षु तो चिल कर रहा है अंदर बैठ के, क्या तुम कर लो, जब सबका हो जाए ना तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा। कितनी देर लगेगी भाई, कितनी देर लगेगी आपको क्या लगता है? 10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। हम वेट करते हैं 10 मिनट, देखते हैं शायद खाली हो जाए, उसके बाद हम भी गाड़ी लगा के फोटो खींचते हैं। हाँ, और उसके बाद हम यहाँ से भागेंगे सूट एंड सूट। हाँ जी, तो पहुँच चुके हैं उमलिंगला, जो कि है 19,024 फीट फ्रॉम दिस सी लेवल। और भाई पहले खारदुंगला लोगों का सपना हुआ करता था क्योंकि वो हाईएस्ट मोटरेबल पास था, अब उमलिंगला हाईएस्ट मोटरेबल पास है, और पिछले 2 साल से सोच रहा था इसे करने की और ये हो गया है विद द हेल्प ऑफ टोयोटा हाइलक्स, जिसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई। कर्टसी ऑफ श्री टोयोटा जम्मू, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हमें टोयोटा हाइलक्स दे दी, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अब रास्ते में, चेहरा क्या बनता है, तो ज्यादा आइडिया ही हमने दिया था, तो ज्यादा पता ही नहीं था तेरी शक्ति होगा। हम लोग वापस आ गए चुशुमले उमलिंगला से नीचे, ये देखो हाई ऑल्टीट्यूड पे हाईएस्ट क्या है ये, यहाँ पे किचन है, बढ़िया खाना बन रहा है। ये सीटिंग एरिया भी बढ़िया बना रखा है, सामने टिबेट का मैप लगा हुआ है और चेयर है बैठने के लिए, बढ़िया बना रखा है इतने ऊपर भी। वेज वाले के लिए मैगी, जो नॉन वेज क्या है उनके लिए ऑमलेट, मैंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कराई, दिखाता हूँ। भाई इनको हाईलक्स क्या दे दी, ये हाथ से निकलते जा रहे हैं लौंडे, जबरदस्ती पानी में जाना है, रास्ते में भी नहीं आ रहा है पानी हमारे। जो बोलते हैं ना जन्नत, यही है। भाई कोटिला से नीचे उतर गए हैं लगभग, अब यहाँ से हानले बचा है ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर भाई गाड़ी चलाएगा, और 20 किलोमीटर बाद गाड़ी चलाएगा, 20 किलोमीटर बाद भाई गाड़ी चलाएगा। यस बता दिया करो ना, कैमरा ऑन ही इसलिए किया था, देख रहे हो ना भाई साहब ऐसा मजा आ रहा है हमें गाड़ी चलाने में। जिसकी गाड़ी उसको मार दो हार्ट अटैक से, फिर इसे घर ले जाएंगे हम। अरे प्रभु सेम बड़ी थे भी तो। हाँ तुम कहते 20 किलोमीटर बाद मैं गाड़ी चलाऊंगा, क्योंकि जब तक रात है चला सकते हैं, जब तक अंधेरा नहीं होता, उसके बाद तो चक्सू भाई नहीं चलानी है। बहुत मजा आ रहा है भाई, पूरा टर्मैक बना दिया है उमलिंगला तक, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप वाया 40 आते हैं। दूसरा क्या नाम था नागर, नूरबुला से अगर आते हैं तो वहाँ का 20 किलोमीटर का पैच बहुत ही गंदा है, वहाँ आपके लेंटर लग सकते हैं। और उमलिंगला पे भाई ऊपर सांस की बहुत दिक्कत होती है, तो उसका ध्यान रखें, ऑक्सीजन कैन रख लें, कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है इसमें भाई, वो सब ले रहे थे वहाँ पे। हाँ, मेरे अलावा
तुम्हारे तो फेफड़े मेरे बहुत बड़े हैं, चाहे वो बाइक से आयो चाहे वो गाड़ी से आयो, सब ले रहे से ज्यादा कुछ और बड़ा है जिगर। गाड़ी सुबह से नॉन स्टॉप चल रही है और चढ़ना उतरना ये लगा रहता है। तो अब जो ब्रेक्स है ना वो हीट हो गए हैं, यहाँ तक हीट फील हो रही है मुझे पे। तो ब्रेक जो है वो हीट हो गए जिसकी वजह से अब ब्रेक नहीं लग रहे हैं बिल्कुल भी। पेडल जो है वो फ्लो टच कर रहा है, उसके बाद कहीं जाके बहुत हल्के से ब्रेक लग रहे हैं। तो हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि अभी हमें 15 किलोमीटर नीचे उतरना है, और तो इस वजह से हाँ उसके बाद हानले से माहे कहीं जाके हमें प्लेन रास्ता मिलेगा। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट देंगे गाड़ी को ताकि ब्रेक्स जो है वो कूल डाउन हो जाए। तो जब हम यहाँ खड़े टाइम ख़राब कर ही रहे थे तो हमने सोचा जो डीजल हमने शेंकुला के बाद लिया था वो इसमें डाल ही देते हैं, थोड़ा सा वेट कम हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा गाड़ी में। ये भाई हमें हम कितने किलोमीटर ट्रैवल करके होंगे, दो हजार किलोमीटर में ये अब चढ़ा है यहाँ पे। चीता ही कह रहे। इसे मेहनत करने की मत कहो बिल्कुल भी, इस पेट्रोल भरने के प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसको ना टाइमलेस पे सेट करता हूँ, टाइमलेस देखो तुम बढ़िया सा। पचास साठ रुपए का तो बिखेर दिया डीजल है। कोई नहीं, हमें वैसे ही सस्ता मिला था, 50-60 का तो हम नुकसान झेल सकते हैं। BMW GSA 300 है। रेस लग रही है क्या? अरे नहीं, फिर वो कर देंगे हम। चलो भाई, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी ब्रेक जो ठंडी होगी होंगी 5-10 मिनट में, पर हम आगे की तरफ जा रहे हैं हल्ले की तरफ। अभी देखते हैं ब्रेक मार के, लग रही है ब्रेक लग रही है, ठीक है। तो भाई हल्ले पहुँच गए हैं और अब हम जा रहे हैं थोड़ा ऑब्जर्वेटरी की तरफ, बस एक फोटो खिंचाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। भाई पोपट हो गया यार हमारे साथ, ऑब्जर्वेटरी इन्होंने बंद कर रखी है, नीचे ही गेट लगा रखा है, ऊपर जाने का रास्ता बंद है। बाइक वाले साले नीचे से चले गए झुक के, इनसे पूछता हूँ ये जो गाड़ी वाले आ रहे हैं। ऑब्जर्वेटरी बंद होती है? हाँ। कब खुलती है? अभी पता नहीं, पता नहीं। 10 बजे खुलते है सुबह। 10 बजे खुलता है और बंद हो जाता जल्दी 4 बजे। ओके थैंक यू। देखा भाई, सुबह 10 से 4 का टाइम है ऑब्जर्वेटरी का, और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है जो कि है हानले में। और मैं लास्ट टाइम आया था तब मैंने थोड़े बहुत ग्लिम्स आपको दिखाए थे इसके, क्योंकि उस टाइम भी ये बंद ही थी, ऑपरेशनल नहीं थी, मतलब चल चुकी थी कोविड की वजह से, ऑपरेशनल नहीं थी। जो साइंटिस्ट थे वो थे, क्या होते हैं कौन है इंजीनियर्स, अरे नहीं कौन होते हैं वो जो देखते हैं तारे वारे, नहीं नहीं यार होते हैं जो दूरबीन से देखते हैं, हाँ यार जो टेलीस्कोप से देखते हैं वो लोग थे। तो उनको छुट्टी दे रखी थी कोविड में, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, घर से क्या तारे देख रहे थे, छत पे लेटे जी, छत पे लेटे जी, छोटे छोटे टेलीस्कोप देते थे कि घर से ही देख लो जो देखना है। तो यहाँ से निकल रहे हैं वापस घर के लिए, के लिए। तो भाई हानले का सारा कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा होता है और फिर यहाँ से डीकम्पोज करा जाता है, तो सबसे ज़्यादा इसमें प्लास्टिक ही है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जितने कम प्लास्टिक यूज़ कर सकें उतने कम करें और रीयूज़ करके अपने साथ में ले जाएं, यहाँ छोड़ के ना जाएं। और ये धड़धड़ धड़धड़ हो गई है, रोड ख़राब है क्योंकि Energy's war, I've never been glam. Energy sure like bars or land, like a missile straight to the plan. Energy's more than everything, man. Energy's mad, don't mess with a ram. Certain things in life gotta overstand. That's disappointing, don't do this, man. With your energy, yeah, can't do this, man. Energy's here like a sizzling pan. 4 meetings already is urgent, fam. If the energy's right, we can do this, man. If the energy's right, we can do this, man. हमने पास बनाया था 1320 रुपए का, तो उसको जाते हुए दिखाना था, सेम वही प्रोसेस है, आते हुए भी आपको पास का अपना नंबर बताना होता है कि आप एग्जिट कर रहे हो यहाँ से, तो वो यहाँ पे चेक पॉइंट पे दिखा दिया है, अब यहाँ से हम निकल गए। तो भाई अब कहीं थोड़ा सिविलाइज्ड
अच्छा कैफे मिला है, तब से तो हम लोग बस दाल चावल, राजमा चावल और मैगी और ऑमलेट इसी पे जी रहे थे। अभी हम लोग बैठे हैं चुमा थांग में और थोड़ा बहुत खाने पीने को मंगाया, इसके बाद सीधा ले रुकेंगे। तो कैफे के जस्ट पीछे वो है हॉट स्प्रिंग, वो भी नगर में बता रहे हैं। 82 किलोमीटर्स लेटर गाइस, उपशी 7 किलोमीटर बचा है यहां से, हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं उपशी और फिर देन ले। और रात को ट्रैवल करना पहाड़ों में सेफ नहीं है, तो हमारी तो मजबूरी इसलिए करना पड़ रहा है। हमारे साथ दीपांशु आया है, उसने ले 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 के ले लिए ले ले के ट्रिप वो लगा रखी है रट। इतना बढ़िया चूमा थांग में मैं हॉट स्प्रिंग दिखाने वाला था, इसने मना कर दिया, नहीं अब तो मैं ले ही देखूँगा। मैं कहा चल भाई ले ही दिखाएंगे तुझे। फाइनली ले आ गए हम लोग जिसके लिए निकला था मैं। अभी हम जा रहे हैं स्टार गेजिंग करने। यहाँ बहुत लाइट है कार ऊपर देख रहा हूँ।